ताऊ जी राम राम। राम राम ताऊ जी। अरे आप जम रहे हैं ताऊ जी? जी। क्या क्या बनता है आपकी दुकान में? बनता ये सब कुछ बना हुआ है गुरुजी। अरे वाह, समोसा है। दुकान में कुरकुरे भी लगे हुए हैं, जूते भी हैं, साथ में सब्जी भी है और अंदर चाय पानी पीने की भी व्यवस्था है, यानी कि पूरा ऑल इन वन है। और सामने हमारे थपलाल जी खड़े हो रखे हैं। और नमस्कार थपलाल जी, कैसे हो? ओ वेरी गुड यार। साथियों नमस्कार, आप सभी को मेरा प्रणाम। सुबह का वक्त है और आज हमारा गांव और आसपास का इलाका मा बादल लग्या छन, घनघोर बादल लग्या छन, कभी भी बर्फ हो सकदी और ठंड बहुत लगनी च। अगल बगल कुछ मौसम च अचानक बदल गई, ब्याल देख गाम छो। लेकिन आज कुछ दिन च एकदम से सुबेर बिटिन घनघोर बादल लग्या छन आसमान मा, कभी भी बर्फ हो सकदी, ठंड बहुत लगनी च, हाथ भी कांपना छन। सर्दियों को मौसम फरवरी में भी चलनू छ, जो कि बसंत ऋतु को आगाज हो चुकी, बसंत ऋतु का आगमन हो चुका है, लेकिन पहाड़ से सर्दी अभी जाने वाली नहीं है। और दिन में यदि बारिश होती है तो और भी ठंडा हो सकता है। तो इस समय मैं जो जा रहा हूँ, मैं निकल रहा हूँ राम आश्रम की तरफ, जो कि इधर का बहुत ही प्रसिद्ध प्लेस है, बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है। यह राम आश्रम की तरफ जाने वाली रोड, कुछ दिनों पहले यह रोड जो थी कच्ची थी, लेकिन अब यह पक्की हो चुकी है और बहुत ही सुंदर रोड बन चुकी है। और बगल में देखते हैं कि एक रोड जो है ऊपर को जा रही है और यह अभी कच्ची रोड है। और यह जो रोड है यह राजकीय पॉलिटेक्निक जखोली की ओर जा रही है और कुछ समय बाद यह रोड भी पक्की हो जाएगी। रोड के अगल बगल ये है यहाँ के खेत फुंगड़े। आप देख सकते हैं कि पहाड़ में कैसे कैसे खेती बाड़ी होती है, छोटे छोटे खेत हैं और आप देख सकते हैं एकदम से एक खेत, फिर दीवार, फिर दूसरा, तीसरा, और इस प्रकार ऊपर देखेंगे आप तो लोगों के मकान हैं और पहाड़ में इसी तरह के मकान बने होते हैं। तो धीरे धीरे इस क्षेत्र का भी विकास होता हुआ, जैसे जैसे रोड आगे की तरफ बढ़ रही है, वैसे वैसे जो लोग हैं वो गांव से उतरकर नीचे सड़क की तरफ बस रहे हैं। यह पानी की नहर है जिसमें ऊपर से पानी आता है प्राकृतिक स्रोत से, लेकिन इस समय पानी की मात्रा बहुत कम है। और सड़क के किनारे देखिए आप कितना विशाल खेत है यहाँ पर, और खेत में आप देखिए किस प्रकार की फसल हो रखी है। बड़ी मुश्किल से दो चार जो पौधे हैं ये हो रखे हैं और ये भी गेहूं है, बेचारा ठंड से कांप रहा है। तो किस प्रकार से यहाँ पर फसल करना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, परिश्रम लोग पूरा करते हैं लेकिन उसका जो प्रतिफल है वह नगण्य ही होता है। इनपुट बहुत होता है लेकिन आउटपुट क्या है, बहुत कम है। और ऊपर भी देखिए किस प्रकार से पूरा क्षेत्र ऊपर की तरफ एकदम से बंजर है, इसमें तो फसल नाम मात्र की है, एक दो दाने हो सकते हैं कि गेहूं के हो जाएं और एक दो दाने हो सकता है कि सरसों या लैया के हो सकते हैं। और साथ में यहाँ बंदरों का भी आतंक बहुत हो रखा है, सामने बंदर रोड के किनारे बैठा हुआ है और गाड़ी का इंतजार करता हुआ, हो सकता है कि कोई बस मिल जाए, तो ये बंदर भी यहाँ से निकल चुका है। तो और रोड के किनारे लोगों ने मकान बना दिए हैं, क्योंकि ये लोग पहले गांव में रहते थे लेकिन गांव में ऊपर रोड की सुविधा नहीं है, लेकिन रोड के बन जाने से यह जो मकान है ये रोड के किनारे आ गया, गाड़ी खड़ा करने के लिए भी सुविधा है। और सामने से जो बच्चे आ रहे हैं ये स्कूल की ओर जाते हुए,
देवभूमि जन सेवा केंद्र जखोली रुद्रप्रयाग उत्तराखंड, और यहाँ पर है ईशांत कंप्यूटर वर्क्स ब्लॉक रोड जखोली। यहाँ पर पानी आता रहता है ऊपर से प्राकृतिक स्रोत का, इसलिए अभी रोड यहाँ पर पक्की नहीं हुई है, लेकिन आशा और विश्वास है कि कुछ दिन में जो रोड है वह पक्की हो जाएगी। ये परखुंडा है, ये घास का परखुंडा है, ये घास को सुरक्षित रखने का स्टोर करने का एक तरीका है, एक मेथड है, और धीरे धीरे यहाँ से घास आवश्यकता के अनुसार पशुओं के लिए निकाली जाती रहेगी। और ये है बनाना ट्री, केले का पेड़। और ऊपर है ये जखोली गांव। थपलियाल चाउमीन सेंटर राम आश्रम रोड जखोली, शानदार बहुत ही सुंदर रेस्टोरेंट है। और देखेंगे यहाँ पे कि क्या क्या है दुकान में। भाई दुकान में कुरकुरे भी लगे हुए हैं, जूते भी हैं, साथ में सब्जी भी है, और अंदर चाय पानी पीने की भी व्यवस्था है, यानी कि पूरा ऑल इन वन है। और सामने हमारे थपलियाल जी खड़े हो रखे हैं। और नमस्कार थपलियाल जी, कैसे हो? ओ वेरी गुड यार, स्मार्ट लग रहे हो। जरा ताऊ जी से मिलते हैं। ताऊ जी राम राम। राम राम ताऊ जी। अरे आप जम रहे हैं ताऊ जी? जी। क्या क्या बनता है आपकी दुकान में? बनता ये सब कुछ बना हुआ है गुरु जी। अरे वाह, समोसा है, फैन, समोसा भी है, फैन भी है, टॉफी भी है, चाय भी है, भोजन भी बनाते हैं। जी। अरे साहब बहुत अच्छा। और अंदर है आपकी राशन की दुकान। राशन की दुकान में क्या क्या रखा हुआ आप लोगों का? आटा है, दाल चावल, यानी कि एवरीथिंग इज अवेलेबल हियर। सामान्य जीवन की जो आवश्यकताएं हैं वो सारी की सारी यहाँ पे उपलब्ध है। आप भी आकर यहाँ पे दुकान में सामान ले सकते हैं। चाय इनकी बहुत प्रसिद्ध है। इनका जो भोजनालय है, जैसे घर में भोजन बनता है, उसका आनंद आप यहाँ पर ले सकते हैं। तो धन्यवाद ताऊ जी आपका। धन्यवाद मेरे भाई।